Hello friends and students. In today's video we will do the chapter 6 of unit 3. Unit 3 name is digital documentation and this chapter name is formatting a document. So let's start our today's video. So as you know, our today's topic is formatting a document. So what is a formatting? First of all, the question arises, what is formatting? Formatting a document se kya matlab hai? Format ka matlab kya hota hai? Humne pichle video mein agar aapko yaad ho to editing kiya tha. Editing mein ka matlab kya tha ki jab hum apne document ke content mein koi bhi change karte hain. Okay, to wo kya kehlata hai? Editing kehlata hai. Is document mein kuch bhi humne change kiya. So, but jab content change kar rahe hain, कंटेंट चेंज करने वाला जैसे इंसर्ट है, इसमें जो लिखा हुआ है ये INSERT, इसमें से मैं कुछ डिलीट कर दूं, ठीक है, कुछ ऐड कर दूं, कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर लगा दूं इसमें, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि कंटेंट ही चेंज हो रहा है. बट अब फॉर्मेटिंग की अगर हम बात करें तो फॉर्मेटिंग में क्या होता है, जैसे ये लिखा तो इंसर्ट ही है, ठीक है, मैं इसकी अपियरेंस चेंज कर दूँ, चेंज तो अभी भी हुआ है, बट अपियरेंस से मतलब केवल इसका लुक बदल जाए, कंटेंट वही है, स्पेलिंग इसकी वही है, हमने कोई नया कैरेक्टर ऐड नहीं किया, ना इसमें से कुछ डिलीट किया है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, फॉर्मेटिंग कहलाएगी. अब अपियरेंस चेंज कैसे हो सकती है, अब इसके अपियरेंस चेंज करने के बहुत सारे तरीके हैं. जैसे अब ये जो इंसर्ट लिखा है, अब ये हमें ऐसा दिख रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ तो कंटेंट तो वही रहेगा, बट ये कैसा दिखने लगेगा, थोड़ा बड़ा दिखने लगेगा, तो यानी इसका जो लुक है, अपियरेंस है, वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है. तो या मैं इसका कलर चेंज कर दूं, ओके, और या फिर मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर दूं, ओके, या इसका केस चेंज कर दूं. केस चेंज का मतलब जैसे अभी स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है, स्मॉल अल्फाबेट्स हम जिनको बोलते हैं, लोअर केस बोलते हैं, ठीक है, तो फिर हम कैपिटल वर्ड्स में अगर मैं इनको लिख दूँ, कैपिटल लेटर्स में, ओके, तो उसको हम अपर केस बोलते हैं. तो ये जो इसका केस चेंज कर दूँ तो स्पेलिंग तो वही रहेगी, आप चाहे स्मॉल में लिखो या कैपिटल में लिखो, बट क्या हो गया, अपीयरेंस चेंज होगी, पहले स्मॉल लेटर्स दिख रहे थे, अब कैपिटल दिख रहे हैं, ठीक है, तो कंटेंट तो चेंज नहीं हुआ. तो ये सब क्या कहलाता है, फॉर्मेटिंग कहलाता है, मतलब किसी भी चीज़ की अपीयरेंस को चेंज कर देना क्या कहलाता है, फॉर्मेटिंग, ठीक है. तो फॉर्मेटिंग आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. अब फॉर्मेटिंग की बात करें तो इसमें हम जो मेन सीखेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, क्योंकि जो एमएस वर्ड है उसमें हम क्या करते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, तो ज़्यादातर जो वर्क होता है हमारा वो टेक्स्ट के रूप में ही होता है. हालांकि मैंने बताया था आपको जो वर्ड प्रोसेसर होता है उसके अंदर हम ग्राफिकल सपोर्ट भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स जैसे पिक्चर इमेज वगैरह भी, बट उनका यूज़ थोड़ा कम ही रहता है एक वर्ड प्रोसेसर में, ज़्यादा काम क्या करते हैं हम टेक्स्ट के साथ ही करते हैं. तो एक टेक्स्ट को फॉर्मेट कैसे करेंगे, जहाँ पे जैसे अभी हमने इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैंने एक फाइल जैसे ओपन की है वर्ड की, जिसमें कुछ लिख रखा है पहले से ही, ओके, ये लिखते कैसे हैं मैंने आपको पहले के वीडियो में भी बता रखा है. तो आप रैंड फंक्शन का यूज़ करके इक्वल टू रैंड ब्रैकेट के अंदर कोई भी नंबर डाल लेंगे तो उतने ही पैराग्राफ राइट हो जाएंगे. तो अब हम करेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग. तो जो टेक्स्ट लिखा है इसके अपीयरेंस को चेंज करना है. बट अब जो ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती है ये भी समझिए आप कि हम इसको एक तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. तीन पार्ट्स का मतलब क्या, जो टेक्स्ट है, एक तो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग. कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का मतलब है ये हम एक एक कैरेक्टर किसको बोलते हैं, जो एक एक लेटर लिखा हुआ है, जैसे सी एक कैरेक्टर है, आर एक और कैरेक्टर है, ई एक और कैरेक्टर है, ए एक और कैरेक्टर है, इवन दो बीच में जो स्पेस होता है जैसे क्रिएट और पिक्चर के बीच में दिया, ये भी क्या होता है, एक कैरेक्टर होता है, ठीक है. तो जहाँ पर आप टैब बटन दबाते हो, एंटर बटन प्रेस करते हो, वो सब क्या होते हैं, एक कैरेक्टर होता है, ठीक है. तो इसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं, एक कैरेक्टर को भी अगर आप सिलेक्ट के क्या कर पा रहे हैं, फॉर्मेट कर पा रहे हैं, तो वो क्या है, फॉर्मेटिंग. हालांकि आप कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का मतलब ये नहीं है कि बस जब एक कैरेक्टर को फॉर्मेट करेंगे तो ही कैरेक्टर फॉर्मेटिंग कहलाएंगे, आप ज़्यादा कैरेक्टर को भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, तो उनके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो. बट कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का मतलब जहाँ पर आप एक एक कैरेक्टर की, मतलब अलग अलग कैरेक्टर की फॉर्मेटिंग को चेंज कर पाए, तो वो ऐसे जो ऑप्शन हमको क्या बोलेंगे, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, ठीक है.
उसके बाद दूसरा है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तो जब आप कुछ अपियरेंस चेंज करो, बट एक साथ पूरे पैराग्राफ की अपियरेंस अगर चेंज हो रही है, तो वो क्या कहलाएंगे? पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पेज फॉर्मेटिंग का मतलब पूरे पेज की फॉर्मेटिंग में कुछ फर्क पड़ रहा है, मतलब अपियरेंस में। जैसे अभी इस पेज का कंटेंट कुछ ऐसा दिख रहा है, अब इस पूरे पेज के अपियरेंस में तो कुछ थोड़ा बहुत चेंज आ जाए, तो वो क्या कहलाएगी? पेज फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो तीन तरह की होगी। तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे कैरेक्टर फॉर्मेटिंग से। तो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग क्या होती है तो पता चले गया। अब ये यूज कहाँ से होते हैं? तो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, ये होम टैब जो होता है, होम टैब के अंदर ये फॉन्ट ग्रुप है। ठीक है, इस फॉन्ट ग्रुप में जो ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, ये किस चीज के ऑप्शंस हैं? ये है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। ठीक है, और इसके अलावा एक ये ऑप्शन है जो फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, तो ये भी कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का ही पार्ट होता है। तो ये जो कुछ ऑप्शंस हैं, इन सब का यूज कर सकते हैं हम फॉर्मेटिंग करने के लिए। ओके, तो अब आइए एक एक करके हम इनको सीखना स्टार्ट करते हैं। तो हमने सेलेक्ट करने के मेथड्स पहले सीखे थे। ओके, तो हमें करना क्या है कि इन ऑप्शंस को अप्लाई करने के लिए, इन इफेक्ट्स को अप्लाई करने के लिए, सबसे पहले तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट आप जिस भी मेथड से करें, हमने बहुत सारे मेथड, एक वर्ड सेलेक्ट करना है, डबल क्लिक करें, सेंटेंस सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल बटन प्रेस करके सिंगल क्लिक करें, ये जो भी मेथड थे मैं उन पर दोबारा बात नहीं करूंगा। तो आपने कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर ली, जैसे फिलहाल मैंने ये वाला जो सेंटेंस है वो सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है इसको हम क्या बोलते हैं? फॉन्ट। ठीक है, ये ऑप्शन है फॉन्ट का। तो इस पर यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपियर हो रहा है, इस पर मैं अभी क्या लिखा हुआ है, इसमें टाइम्स न्यू रोमन लिखा हुआ है। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो नीचे बहुत सारे और ऑप्शन भी आ जाते हैं। ठीक है, ये टाइम्स न्यू रोमन अभी सिलेक्टेड है। वैसे बाय डिफॉल्ट जो होता है वो कैलिब्री फॉन्ट होता है। ये क्या है? फॉन्ट है अलग अलग। फॉन्ट का मतलब क्या होता है? फॉन्ट का सिंपल सा मतलब है जो टेक्स्ट आप लिखते हो, जैसे आप भी खुद लिखते हो, ए जो लेटर है जब आप लिखते हो, तो हर बार एक जो सभी बच्चे हैं वो ए को एक ही तरीके से नहीं बनाते, हर किसी का स्टाइल थोड़ा अलग अलग होता है। ओके, तो वो क्या हो गया, जो अलग अलग स्टाइल्स में लिख रहे हैं, लिखा तो ए ही है सब नहीं, बट सबका तरीका अलग है। कोई थोड़ा सा गोल करके लिखता है, कोई बिल्कुल उसकी जो ऊपर के टॉप होती है ए की, उसको बहुत शार्प बना देता है। ठीक है, कोई नीचे से थोड़ा घुमा देता है उसको। तो ये क्या है? डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स हो गए। तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे फॉन्ट्स हैं जिसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा जाता है वो थोड़े अलग अलग स्टाइल में लिखा जाता है। ओके, तो जैसे अभी मैं यहाँ टाइम्स न्यू रोमन पे किया, ये तो बाय डिफॉल्ट नहीं थे, मैंने सेट कर रखा है बाय डिफॉल्ट, बट बाय डिफॉल्ट वैसे जो होता है कैलिब्री होता है। ओके, जैसे अभी देखो कुछ थोड़ा अलग टेक्स्ट नजर आ रहा है, बाकी तो सारा क्या है, वही टाइम्स न्यू रोमन है, बट जो सेलेक्ट कर रखा है अभी देखो ये ऐसा है, मैंने कैलिब्री पे किया तो चेंज हो गया थोड़ा सा ना अपीयरेंस। और ऐसे ही मैं कुछ और करता हूँ तो जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसकी अपीयरेंस आप देख सकते हो यहाँ पे साथ साथ वीडियो में चेंज हो रही है। ओके, तो यहाँ पर इसी को आप नीचे स्क्रॉल कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके इस बटन पे, या ये जो स्लाइडर है हॉरिजॉन्टल बार के अंदर, इसको भी आप नीचे की तरफ ड्रैग कर सकते हो। ऐसे तो बहुत सारे फॉन्ट आएंगे, तो जिस फॉन्ट पे आप रखोगे तो वो फॉन्ट आपको यहाँ पर लाइव प्रीव्यू में शो होगा। और अगर आप उस पर क्लिक करो, जैसे ये वाला स्टाइल है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो वो परमानेंटली अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आप कहीं और भी क्लिक कर देंगे तो ये अप्लाई जो इफेक्ट है वो अप्लाई रह जाएगा, वही फॉन्ट जो है अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, अब मैं क्लिक करता हूँ टाइम्स न्यू रोमन लिखा रहा है, जब यहाँ पर क्लिक कर लिया अब ऊपर मैग्नेटो, ये मैंने मैग्नेटो फॉन्ट है, यहाँ पर टाइम्स न्यू, पहले पूरे डॉक्यूमेंट में टाइम्स न्यू था बट ये सिलेक्ट करके मैंने चेंज कर दिया मैग्नेटो। तो फॉन्ट ऑप्शंस आई थिंक क्लियर है। उसके बाद है फॉन्ट साइज। चलो मैंने कुछ जो नेक्स्ट लाइन है वो मैंने सिलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट सेंटेंस, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे जब क्लिक किया तो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट साइज, इसका मैं साइज बढ़ा, देखो डिजाइन जो इसका है, लिखने का स्टाइल है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था, बट अब ये बस सिर्फ साइज बड़ा हो रहा है। तो इसका मतलब फॉन्ट चेंज नहीं किया है, फॉन्ट साइज चेंज कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ से आप कोई भी फॉन्ट कम ज़्यादा कर सकते हो। ओके, तो जिस पे आप रखोगे, जैसे मैंने 20 कर दिया तो आप देखोगे ये थोड़ा बड़ा हो गया। बट अब अगर यहाँ पर देखिए, मान लो आपको साइज करना है 25, बट अगर लिस्ट में देखो तो 25 तो है ही नहीं। ठीक है, या आपको जैसे यहाँ पे मैक्सिमम 72 दे रखा है, बट आपको तो और भी बड़ा करना है, 72 में इतना हुआ, बट आपको कभी जरूरत पड़ जाए कि इससे भी बड़ा फॉन्ट लिखना है, हालांकि बहुत बड़ा हो जाता है 72, बट फिर भी जरूरत पड़ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जो ये बॉक्स है इसमें क्लिक करके
आप जो भी साइज लिखा है उसको डिलीट कर सकते हो बैकस्पेस या डिलीट की का यूज करके, और उसके बाद आप अपना जो साइज है वो टाइप कर सकते हो। जैसे मैंने 25 टाइप किया और मैंने फिर एंटर बटन प्रेस करना पड़ेगा, सिर्फ 25 लिखने से नहीं होगा, 25 लिखने के बाद एंटर भी प्रेस करना, तो जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट था उसका साइज वही हो जाएगा जो आपने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हो, किसका, टेक्स्ट साइज को या फॉन्ट साइज को। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये ग्रो फॉन्ट और ये श्रिंक फॉन्ट। ओके, आपको नाम नहीं पता, नाम याद रखना है, थोड़ी देर आप उस पर माउस रखोगे किसी भी मेन्यू पे तो उसका नाम जैसे ग्रो फॉन्ट और ये श्रिंक फॉन्ट, साथ साथ एक्चुअली शॉर्टकट की भी वो बताता है नीचे, आप देखो तो ब्रैकेट के अंदर, तो आपकी शॉर्टकट की और उनके नाम अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, तो इस पे क्या होता है, जब ग्रो फॉन्ट का मतलब है बड़ा होना फॉन्ट का, तो जब इस पे क्लिक करोगे एक बार, जब आप क्लिक करते हो तो साइज जो है वो आप देख रहे हो, हर बार जो लिस्ट में साइज होता है उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट साइज आ जाता है। ठीक है, अब जैसे 72 से पहले कौन सा 48, तो अगर मैं श्रिंक फॉन्ट पे करूंगा तो ये 48 हो जाएगा, ग्रो पे करूंगा तो 72। तो इस लिस्ट में जो है इसके अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट साइज होता है, जो पहले से सेट है साइज, तो उसके अकॉर्डिंग आप साइज यूँ छोटा या बड़ा कर सकते हो। जितनी बार क्लिक करते जाओगे छोटा होता जाएगा, इससे बड़ा होता जाएगा, तो आप यहाँ से भी साइज को चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या ऑप्शन है, चेंज केस। चेंज केस मैंने भी जैसे आपको बताया था, चेंज केस का मतलब क्या है कि जो हमने ये लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने इसका क्या करना है, अभी सेंटेंस केस में लिखा, सेंटेंस केस का मतलब क्या होता है, फुल स्टॉप के बाद जो पहला वर्ड आता है वो जो पहला कैरेक्टर होगा, जैसे यहाँ पे वैन है तो W बड़ा होगा तो बाकी सारे छोटे, तो बाय डिफॉल्ट जब आप कुछ कोई भी काम करते हो सेंटेंस केस ही एक्टिव होता है, बट अगर मैं इसको कर दूँ अपर केस तो अब क्या हो गया, ये सारे ही अपर लेटर में चेंज हो गए हैं। ठीक है, फिर अगर मैं कर दूँ लोअर केस तो जो भी सेलेक्ट है वो उसमें सारे कैरेक्टर कैसे हो गए हैं, लोअर केस में चेंज हो गए हैं। और अगर मैं इसमें सेंटेंस केस करूं अब दोबारा से तो क्या हो गया है, जो पहला वर्ड है फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर वो केवल क्या होगा, कैपिटल हो जाएगा, बाकी सारे स्मॉल रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक और केस है कैपिटलाइज ईच वर्ड, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो हर वर्ड का पहला कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, फिर से मैं इस पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद एक टूगल केस, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, टूगल केस मान लो करता हूँ, ठीक है, तो अभी देखो क्या है, हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल है, ठीक है, बाकी सारे कैरेक्टर स्मॉल है, तो अभी मैंने टूगल केस पे क्लिक किया तो क्या लगा कि क्या हुआ टूगल केस से, तो देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे टूगल केस क्या कर रहा है कि जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसका पहला कैरेक्टर तो स्मॉल कर देता है और बाकी सारे कैरेक्टर्स को कैपिटल कर देता है, बट ये हमारी एक मिस इंटरप्रिटेशन है, मतलब कि जो हमने इसको समझा है गलत समझा है। ओके, टूगल केस का मतलब क्या होता है, केस को बदल देना, मतलब जो लोअर केस है वो अपर बना देना और अपर केस को लोअर केस में चेंज कर देना। ठीक है, तो ये जिस भी कैरेक्टर का, ये हर कैरेक्टर के केस को चेंज कर देता है लोअर से अपर, अपर से लोअर में। ओके, अब इसको समझने के लिए मैं अब वापस अगर एक बार सेंटेंस केस बनाऊं, ये बन गया। ओके, अब अभी सेंटेंस केस है, अब लगाता हूं वही टूगल केस, अब मैं टूगल केस पे क्लिक करता हूं तो क्या हुआ, तो देखो केवल एक वर्ड पहले सेंटेंस केस में क्या था, कैपिटल था, तो ये क्या हो गया, सिर्फ स्मॉल, बाकी सारे कैपिटल, क्योंकि बाकी सारे स्मॉल थे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पहले कैरेक्टर को स्मॉल बाकी कैरेक्टर को कैपिटल करता है, बल्कि जो भी आपने सिलेक्ट किया है उसमें हर कैरेक्टर के केस को चेंज कर देगा लोअर से अपर, अपर से लोअर में। आई थिंक ये केस आपको सारे समझ आ गए होंगे, 5 केसेस प्रोवाइड कराता है हमारे पास, जो MS वर्ड है वो हमें 5 तरह के डिफरेंट केसेस प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो चलो ये हमने क्या कर दिया, केस यहाँ पर चेंज कर दिए हैं। उसके बाद हम चलते हैं बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन, 3 ऑप्शन है। ठीक है, तो बोल्ड इसकी शॉर्टकट की भी देख ली, Ctrl+B, Ctrl+I, Ctrl+U। ओके, बहुत सिंपल से जो कैरेक्टर लिखा होता है पहला कैरेक्टर है बोल्ड का, बी इटैलिक का, आई अंडरलाइन का, यू, वही उनकी शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू। ओके,
तो स्ट्राइक थ्रू, ये चारों ही जो ऑप्शन है ये क्या है कि आपको इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हो, किसी भी कॉम्बिनेशन। अब इससे होता क्या है, मैं पहले चलो मैंने कुछ टेक्स्ट जो है ये पूरा पैराग्राफ ही सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, हाँ चलो तो एक लाइन छोड़ दी, थोड़ा सा डिफरेंस दिखता रहे। इसको मैंने सिलेक्ट किया, थोड़ा सा बड़ा भी कर लेते हैं ताकि आपको डिफरेंस ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। ओके अब मैंने बोल्ड पे मैं क्लिक करता हूँ बी, ओके तो क्या हुआ, कुछ डिफरेंस नजर आया, सॉरी अभी थोड़ा सा लेट इफेक्ट हुआ उसका, तो ये थोड़ा सा क्या हो गया, डार्क हो गया। मैं दोबारा क्लिक करता हूँ इस पर, ये नॉर्मल हो गया पहले की तरह, फिर से क्लिक किया ये बोल्ड हो गया। अब यहाँ पे देखोगे बी हाईलाइट हो गया, एक बार क्लिक करने के बाद ये हाईलाइट हो जाएगा, इसका मतलब बोल्ड, हम टेक्स्ट को बोल्ड कर चुके हैं, ठीक है। अगर दोबारा आपको ये बोल्ड नहीं करना है, यानी बोल्ड इफेक्ट इस पे से हटाना है, तो उसके लिए भी क्या करना है, कंट्रोल प्लस बी दबा दो या इस बोल्ड बटन पे ही दोबारा क्लिक कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लगा सकते हो, ऐसे इटैलिक अगर आप करते हो तो ये क्या हो गया, एक बार झुक गया, इटैलिक इफेक्ट को हटाना है तो आप हटा भी सकते हो, ऐसे अंडरलाइन को लगा भी सकते हो, हटा भी सकते हो। अंडरलाइन में डिफरेंट स्टाइल्स भी होते हैं, जैसे अगर आप यहाँ पे क्लिक करो इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे, यहाँ पे मत करो, यहाँ पे करोगे तो सिंगल लाइन लग जाएगी, बट यहाँ पर अगर करोगे तो एक नीचे कुछ ऑप्शंस आएंगे, और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट तरह के आपको जो है लाइंस के स्टाइल नजर आएंगे। तो आपको अगर स्ट्रेट लाइन लगाने से वेवी लाइन लगानी है तो आप ये लगा सकते हो, जैसे यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, ऐसे डैश वाली लगानी है ये लगा सकते हो, ठीक है। तो अलग अलग स्टाइल की लाइंस है, डबल लाइन भी है तो ये लगानी है, डबल अंडरलाइन करनी है तो, ठीक है। तो आपको जो भी करना चाहो इनमें से यहाँ से कर सकते हो, ओके। उसके बाद है यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू, अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट है वो ऐसे मतलब उसके बीच में से एक लाइन आ जाएगी, मिडल में से एक लाइन आ जाएगी, और ऐसा लगेगा जैसे आपने टेक्स्ट लिखने के बाद उसको कट कर दिया, जैसे नॉर्मली हम जब नोटबुक में लिखते हैं तो गलत हो जाता है, तो इस तरीके से उसको कट कर देते हैं, तो वैसा ही कुछ इफेक्ट देता है ये स्ट्राइक थ्रू, ओके। यानी लिखने के बाद उसको स्ट्राइक कर दिया, मतलब आपने उसको कट कर दिया, एक लाइन लगा के उसको कट कर दिया, ओके। तो और इसी को भी हटाने के लिए क्या करेंगे, दोबारा से इस पर क्लिक करेंगे तो ये इफेक्ट हट जाएगा। अब ये जो चारों ऑप्शन हैं, आप इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो, आप इसमें से एक सिंपल एक भी यूज कर सकते हो फीचर या ऑप्शन कमांड, या दो भी यूज कर सकते हो, तीन भी, जैसे मैंने बोल्ड भी कर दिया और स्ट्राइक थ्रू भी कर दिया, तो अब देखो दो इफेक्ट एक साथ अप्लाई है, ठीक है, या इटैलिक भी कर दिया, ठीक है, या मुझे स्ट्राइक थ्रू नहीं रखना, स्ट्राइक थ्रू हटा दिया, बोल्ड इटैलिक रह गए, या अंडरलाइन भी रखना है, तीनों रख लिए, ठीक है, या फिर अब बोल्ड नहीं रखना, इटैलिक और अंडरलाइन रखना है, ओके। तो जो भी आप कॉम्बिनेशन रखना चाहो आप इनमें से चारों भी अप्लाई कर सकते हो, या कोई भी कॉम्बिनेशन हटा सकते हो या लगा सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा बोल्ड इटैलिक एंड अंडरलाइन, ओके। अब जैसे एक समझते हैं नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा क्या है, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, इसका यूज क्या होता है, ओके। तो मैं यहाँ पर अभी जैसे कुछ लिखता हूँ, हमारे साइंस में आपने देखा होगा H2O, ठीक है, मैंने H2O यहाँ पर टाइप किया है, ओके। तो क्या हुआ, क्या हमारी जो साइंस की बुक आप पढ़ते हो उसमें H2O वाटर के का जो केमिकल फॉर्मूला है, क्या ऐसे ही लिखते हैं वहां पर साइंस की बुक में, ऐसे नहीं लिखा था ना, जो टू होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा इस जो ये नॉर्मल लेवल है टेक्स्ट का, इस नॉर्मल लेवल से जो टू होता है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ लिखा होता है, ओके। टू इज रिटन बिलो द नॉर्मल लेवल ऑफ द टेक्स्ट, ओके। तो ऐसा ही आपको करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले एक कैरेक्टर, क्योंकि हमें सिर्फ टू को नीचे करना है, तो सिर्फ टू को सिलेक्ट करेंगे, ओके। जो भी चीज सिलेक्ट की है, अब यहां पर इसको करने के बाद ये जो सबस्क्रिप्ट ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करता हूं, तो ये जो टू होगा क्या होगा, नॉर्मल लेवल से थोड़ा नीचे चला जाएगा। तो आप देखो साइंस बुक में ऐसा ही लिखा होता है H2O, तो अगर आपको कुछ ऐसा लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, ओके। या ऐसा ही एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूं, जैसे कि हम क्या लिखते हैं, ओके, सब सुपरस्क्रिप्ट के लिए चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कोका एंड कोला, इसको पहले तो मैं बड़ा कर देता हूं साइज, इसको सिलेक्ट किया और इसका साइज थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं कोका कोला का, ओके। और इस कोका कोला के बाद ही मैं एक और वर्ड भी
टाइप कर देता हूँ, टी एम, टी एम स्टैंड फॉर ट्रेडमार्क, ओके। तो आपने जैसे कोका कोला की बोतल या पेप्सी वगैरह की बोतल या जो भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो, तो आपने देखा होगा उसके नाम के साथ यहाँ पर उन का एक नाम जो था एक थोड़ा स्टाइल में लिखा होता है, यहाँ पर टीएम लिखा होता है, बट वो टीएम ऐसे नहीं लिखा होता, यहाँ पे ऊपर छोटा सा थोड़ा सा लिखा होता है ऊपर की साइड, ओके। तो हमें वैसा ही करना है, तो पहले तो क्या करेंगे, जिसको भी हमें थोड़ा ऊपर ले जाना है नॉर्मल लेवल से, जिस टेक्स्ट को उसको सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद सब सुपर स्क्रिप्ट में क्लिक करूँगा तो ये टेक्स्ट थोड़ा ऊपर चला जाएगा, तो कुछ ऐसा ही लिखा देखते हैं आप, ठीक है। तो ऐसे कोई भी आप टेक्स्ट है जिसको आप नॉर्मल लेवल से थोड़ा सा ऊपर लिखना चाहते हो, तो उसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। बट इस चीज़ का एक ध्यान रखना कि होता क्या है एक्चुअल में, कि मान लो जब हम यहाँ पे कर रहे हैं, मुझे लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। तो मैंने क्या किया, ए लिखा स्क्वायर, ओके। ये पहला सेंटेंस का पहला था, इसलिए केस का अपने आप चेंज हो गया है, तो मैं इसको डिलीट करके दोबारा लिखता हूँ, ए स्क्वायर, ओके। अच्छा चलो, तो मुझे ये यहाँ पर टू को क्या करना है, ऊपर ले जाना है, ओके। तो नॉर्मल लेवल से थोड़ा सा, तो मैं क्या करूँगा, मैंने इस टू को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ किया, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, बट ऊपर चला गया। अब ये सुपर स्क्रिप्ट वाला ऑप्शन देखो हाईलाइट हो गया, अब ये हाईलाइट हो गया, ठीक है। अब यहाँ होने के बाद मैं क्या करूँगा, अब इसके बाद कुछ भी टाइप करता हूँ, मुझे लिखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मैं प्लस टाइप करता हूँ। तो हमने क्या किया, क्योंकि लास्ट में बिल्कुल क्या यूज किया था, सुपर स्क्रिप्ट यूज किया था, तो ये वहां पर एक्टिवेट होगा, ओके। तो अब जो आप कुछ भी लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहां पर ये जो लिखा जा रहा है ये पहले ही सुपर स्क्रिप्ट में लिखा आएगा। बट आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो नहीं ये जो प्लस के बाद वाला ये सुपर स्क्रिप्ट में ना आए, तो या तो तरीका है कि मैं इसको लिखने से पहले ही मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। अभी देखो जैसे सुपर स्क्रिप्ट मोड एक्टिवेट, बट अब अगला अक्षर जो आपको लिखना प्लस, वो तो सुपर स्क्रिप्ट में नहीं लिखना, तो यहाँ पर ही डबल की दोबारा क्लिक करता हूँ, तो जहाँ से सुपर स्क्रिप्ट हट गया, और अब मैं अगर टाइप करता हूँ प्लस बी, ठीक है, तो ये कैसा आएगा, यहाँ पे नॉर्मल आएगा, ठीक है। फिर से स्क्वायर लिखना, तो टू लिख के फिर से सेलेक्ट कर लेंगे और सुपर स्क्रिप्ट लगा सकते हैं, और ये काम होने के बाद जब कर्सर को इसके आगे ले आएंगे और आगे लाने के बाद फिर से इसको हटा देंगे, अगर हमें आगे काम करना है, जैसे मान लो इक्वल टू करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी काम कर रहे हो तो सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट को एक बार यूज करने के बाद अगर कंटिन्यू टाइपिंग आपको करनी है तो इसको हटाना फिर ना भूले, नहीं तो आप सोचोगे ये क्या हो रहा है, ये सारा कुछ ही ऊपर जाता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ डिफरेंट टेक्स्ट इफेक्ट्स हैं, जैसे इसको कोई भी टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मैं डिफरेंट स्टाइल्स हैं, तो आप टेक्स्ट को यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, यहाँ से बहुत सारे जो चेंज कर अपियरेंस है एक ही बार में कुछ काफ़ी अच्छे तरीके से चेंज हो जाते हैं, जो टेक्स्ट है कुछ ज़्यादा ही स्टाइलिश बन जाता है, तो यहाँ से आप इफेक्ट लगा सकते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे इफेक्ट ऑप्शंस हैं, उनका भी आप यूज कर सकते हो, आप जाके करके देखना। सिर्फ पहले तो यहाँ पे आपको जैसे ये इफेक्ट लगा लिया, फिर ये लगाने के बाद दोबारा से इसी पे क्लिक करते हैं तो नीचे ऑप्शन है, से आपको उसकी आउटलाइन करनी है, कौन सी लाइन की, रेड लाइन की या येलो लाइन की आउटलाइन या ग्रीन लाइन की आउटलाइन, ठीक है, या शेडोज़ वगैरह लगाने हैं, शेडोज़ इफेक्ट यहाँ पर हैं, ठीक है, तो टेक्स्ट की शेडो वगैरह दिखाई दे, रिफ्लेक्शन में है आपको इसका नीचे रिफ्लेक्शन दिखाई दे, जैसा अभी फिलहाल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर मैं माउस यहाँ से हटाऊंगा तो वो चला जाएगा, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन का इफेक्ट है, ग्लो का है, तो जो टेक्स्ट लिखा है तो इसके चारों तरफ एक ग्लो आ जाए, चमक शाइनिंग आ जाए, ठीक है, तो अलग अलग कलर्स में है, तो यहाँ से आप ये लगा सकते हो, ये ऑप्शन यूज कर सकते हो, ये तो कोई भी अगर है तो, जैसे चलो मैं अभी ये लगा के यहाँ पे छोड़ देता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है टेक्स्ट हाईलाइट कलर, मतलब टेक्स्ट को हाईलाइट करना। जैसे कई बार हम जब बुक रीड करते हैं तो कोई इंपॉर्टेंट लाइन या वर्ड आता है तो उसको क्या करते हैं, हम एक येलो कलर का मार्कर सा रखते हैं अपने साथ, तो उससे उसको क्या कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। जैसे मान लो सपोज करो मुझे लगता है कि जो ये लाइन है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, मान लो तो इतना, तो इसको हाईलाइट करने के लिए ये जो ऑप्शन है इस पे जब मैं यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करूँगा तो यहाँ जो कलर दिख रहा है वही अप्लाई हो जाए। जैसे मैंने यहाँ क्लिक कर दिया,
तो यहाँ पे येलो कलर दिख रहा था तो येलो कलर लग गया, ठीक है। बट अगर आपको ये चेंज करना है तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, तो दूसरा कलर लगाना है तो आपको यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन ये बटन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो अलग अलग कलर्स आएंगे, तो यहाँ से आप कोई दूसरे कलर से भी हाईलाइट कर सकते हो। मोस्टली हाईलाइट करने के लिए वैसे येलो कलर ही ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है, जब नॉर्मल बुक में भी करते हैं तो, बट आप कोई दूसरा कलर भी यूज़ कर सकते हो हाईलाइट करने के लिए, ठीक है। तो जैसे चलो मैं अभी ग्रीन कलर से इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। अब उसके बाद क्या है, मैंने कोई चलो नेक्स्ट लाइन सेलेक्ट किया है और यहाँ सेलेक्ट करने के बाद कुछ ऐसा ही ऑप्शन कलर वाला यहाँ दिख रहा है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे रेड कलर दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर जो मैंने सेलेक्ट किया उस टेक्स्ट का कलर क्या हो गया, रेड हो गया है। ओके, ये तो रेड हो गया, बट इन दोनों में कुछ डिफरेंस नजर आया, यहाँ भी कलर चेंज हुआ, यहाँ भी कलर। ये टेक्स्ट हाईलाइट कलर क्या करता है, टेक्स्ट के बैकग्राउंड कलर को चेंज कर रहा है, लेकिन टेक्स्ट का कलर देखो सेम है। ये क्या कर रहा है, ब्लैक कलर में ही पहले लिखा था, ब्लैक कलर में ही अब लिखा हुआ है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट का कलर चेंज नहीं हुआ है, बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ। जबकि यहाँ पर मैं एक बार कहीं और क्लिक कर दूँ ताकि सिलेक्शन हट जाए और क्लियर दिखे, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या हुआ है, टेक्स्ट का कलर चेंज हुआ है। ओके, अब मैं दोबारा इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपको कोई दूसरा कलर चाहिए रेड की बजाय तो फिर से वही ड्रॉप डाउन मेन्यू यहाँ पे क्लिक करेंगे, बहुत सारे कलर दिखेंगे, तो आप इसका कलर मान लो आपको पर्पल में लिखना है तो पर्पल कलर, ठीक है, या कोई दूसरा कलर लेना है आपको तो आप उस कलर में इसको लिख सकते हो, ठीक है, मतलब टेक्स्ट का कलर हम चेंज कर सकते हैं। ओके, सिलेक्ट करने के बाद तो ये था हमारा टेक्स्ट कलर। ओके, उसके बाद है एक फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का मतलब क्या होता है कि आपने जैसे मैंने ये टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया, सेम यही फॉर्मेटिंग यहाँ पर लगानी है। मतलब एक तो हम कॉपी पेस्ट करते हैं, बट कॉपी में पेस्ट में तो क्या होता है, ये पूरा का पूरा ये कंटेंट भी कॉपी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। कॉपी पेस्ट हमने पिछले वीडियो में किया था, बट अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर मुझे सिर्फ फॉर्मेटिंग चाहिए, जो टेक्स्ट तो यही चाहिए यहाँ पे लिखा हुआ, बट इसकी फॉर्मेटिंग भी ऐसी ही करनी है। तो एक तो तरीका कि हम यहाँ से जाके वही जो इफेक्ट वगैरह यहाँ पे लगाए थे वो आप लगा लो, बट एक आसान तरीका तो आपको सेम यही फॉर्मेटिंग चाहिए तो क्यों ना इसकी फॉर्मेटिंग कॉपी कर ले। उसके लिए कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं, फॉर्मेट पेंटर। तो मैंने इस पर जैसे पहले सेलेक्ट करना है आपको, फिर फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसकी फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाएगी और आपका जो कर्सर है देखो वो चेंज हो जाएगा, एक ब्रश उसके साथ आ जाएगी, आई पॉइंटर के साथ, ठीक है, आई शेप के पॉइंटर के साथ। और अब आप जो भी सिलेक्ट करोगे, मान लो मैंने यहाँ से लेके ये यू से लेके आपकी जो भी सिलेक्ट करोगे, जितना भी सिलेक्ट करोगे, जैसे मैंने यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया, अब जैसे ही मैं माउस बटन को रिलीज करूँगा, ठीक है, तो मैंने रिलीज कर दिया तो जो आपने वही सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई होगी और पॉइंट भी नॉर्मल हो जाएगा। अब आप कहीं भी क्लिक करोगे अब नहीं होगा, तो एक बार सिर्फ होता है, ठीक है, तो इसका हम ध्यान रखेंगे। सॉरी ये गलती से हो गया मुझसे, तो मैंने अंडू किया अभी, तो ये वापस वैसा ही हो गया। तो ये था हमारा फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर का यूज किस लिए होता है, ये एक ऐसा टूल होता है जो किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करने में हमें हेल्प करता है, उसको कॉपी करके किसी दूसरे टेक्स्ट पर सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई करने में हेल्प करता है, ठीक है, यानी इट कॉपी द फॉर्मेटिंग ऑफ सम टेक्स्ट एंड अप्लाई इट ऑन द अदर टेक्स्ट। ओके, अब एक ऑप्शन जो है वो है क्लियर फॉर्मेटिंग। आपने जो भी फॉर्मेटिंग की है, जैसे मान लो मैं ये कुछ थोड़ा सा टेक्स्ट है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया तो इसकी फॉर्मेटिंग हट गई है। अब जैसा टेक्स्ट पहले था, जैसे शुरू में, वैसा ही टेक्स्ट हो गया है, जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट या डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग जो शुरू में होती है वैसी ही रह जाएगी। ओके, जो भी सिलेक्ट करेंगे, तो अब मैंने यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग फॉर्मेटिंग की है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कंट्रोल ए का यूज करता हूँ जिससे क्या होगा, सारा कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। मैंने सारा सिलेक्ट कर लिया और मैं क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करता हूँ। क्लियर फॉर्मेटिंग से टेक्स्ट क्लियर नहीं होता है, केवल फॉर्मेटिंग क्लियर होती है। तो इस पर मैंने क्लिक किया तो आपने देखा कि सारा टेक्स्ट जो है वो लगभग पहले जैसा हो गया है। लगभग बोला मैंने, लगभग का मतलब क्योंकि ज़्यादातर टेक्स्ट पहले जैसा हो गया, बट कुछ चीज़ें रह गई हैं। ठीक है, क्या चीज़ें रह गई हैं, एक तो यहाँ पर देखो मैंने जो ये केस चेंज किया था, ओके, केस चेंज जो है वो
उसकी जो फॉर्मेटिंग मैंने करके छोड़ी थी, यानी जो केस मैंने लगा के छोड़ा था वही रहा, क्लियर फॉर्मेटिंग से केस नॉर्मल नहीं हुआ, मतलब नॉर्मली बाय डिफॉल्ट क्या होता है सेंटेंस केस होता है, तो वो नहीं आया, ठीक है। इसका मतलब क्लियर फॉर्मेटिंग से हम केस चेंज को इफेक्ट नहीं कर सकते, जो भी आपने केस छोड़ा है वो वही वैसा ही रहेगा, ओके। दूसरा जो ये टेक्स्ट हाईलाइट, हालांकि देखो मैंने फॉन्ट का कलर भी चेंज किया था, फॉन्ट का कलर तो हो गया, नॉर्मल हो गया डिफॉल्ट में, बट जो हाईलाइट किया था वो नहीं हुआ, ओके। तो क्या बात समझ में आई कि जो क्लियर फॉर्मेटिंग है वो एक तो केस चेंज में पे इफेक्ट नहीं डालता, और एक टेक्स्ट हाईलाइट बाकी सब पे कर देता है। देखो सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट लगाए थे, इनको भी कर दिया नॉर्मल, ये स्क्वायर बनाया था मैंने, ठीक है, यहाँ स्टोमेटो को नीचे किया था या TM को ऊपर किया था, ठीक है। तो बाकी सारे इफेक्ट्स आप देख रहे हो वो नॉर्मल हो गए हैं, चाहे कॉपी किया था कोई भी वो भी हट गया है, नॉर्मल हो गया है, बस ये दो रह गए, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस थे हमने जो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंडर आते हैं, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के बारे में बात करेंगे, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।